यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति संशय रहित होकर, मतलब बगैर कोई संशय से, मतलब बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना हमारे मन में, उन सब को साइड में करके, मैं कौन हूँ, मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ये मैं ही सर्वेश्वर हूँ, यह जानकर कोई मेरी भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हम कहते हैं ना उसको तो सब पता है, सब कुछ जानने वाला, मतलब वह बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। यहाँ तो हम सभी अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह देखना है कि भगवान किसे कहते हैं कि कौन बुद्धिमान है। तो जैसा मैंने पहले श्लोक में बोला था कि हम सबकी अपनी अपनी एक डिक्शनरी होती है ना, जिसमें वर्ड किसी और के होते हैं, मीनिंग हमारी होती है ना। दूसरे कोई वर्ड बोलता है लेकिन हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं इसकी मीनिंग के, तो अपने हिसाब से या फिर उस परिस्थिति के अनुसार से या हमारे अपने मूड के हिसाब से या सामने वाले व्यक्ति के एक्सप्रेशन के हिसाब से हम उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं। और हम जरूरी भी नहीं समझना चाहते कि सामने वाले से पूछ ले क्या ये आपने जो वर्ड दिया उसकी मीनिंग बराबर है कि नहीं, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो मीनिंग होती है हम उसको 100% सही मान लेते हैं। जैसे कोई वर्ड हुआ, हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलते हैं, उसकी जो मीनिंग दी जाती है चलो वही राइट है ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोगों की भी अपनी अपनी डिक्शनरी है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड नाम का इंसान था उसने अपनी, ऐसे हमने अपनी अपनी डिक्शनरी रखी हुई है, उसमें ऑक्सफोर्ड का कुछ नहीं चलता, उसमें सब हमारा चलता है। हमारे मूड के हिसाब से उसकी मीनिंग बाहर आती है और फिर वो हमारे दिमाग को मल्टीप्लाई करके सब कुछ टेक अवे नहीं होता है, एडिशन भी नहीं होता है, डिवीजन भी नहीं होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होते हैं और वो इन्फिनिटी नंबर से होता है। ठीक है, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जीव की वास्तविक, भगवान की वास्तविक स्थिति और जीव की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ये जो बहुत सारे टॉक्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, वो कहाँ से आती है? वो अपने बोलते हैं ना मन से, वो चिंतन करते हैं, वो अपने मन की बातें। कभी कभी कोई लेक्चर में अपने सुना, मेरे हिसाब से जो मायावादी लेक्चर देंगे इसमें देंगे, मेरे हिसाब से इसका ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे हैं, तो वो खुद का मनगढ़ंत स्टोरी होता है और वो अपने हिसाब से जीव और भगवान की जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन हमारे सामने करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि जीव जो है ना वो पाप से ग्रसित है। पाप से ग्रसित होने के कारण उसे बोलते हैं ना रियलिटी शो नहीं दिखता है। जैसे ठंडियों में देखा होगा आपने, जहाँ जो ठंडे प्रदेश है, जैसे भारत में बहुत सारी जगह पे बहुत ठंडी पड़ती है ना। मुझे तो नॉर्थ के बारे में पता है, कश्मीर, वो सब बहुत सारी जगह हैं, शिमला है, तो और भी जगह है, हिमाचल प्रदेश है जो भारत में ही आते हैं। तो जब ठंडी का महीना होता है उस समय सुबह जब एकदम 3-4 बजे का टाइम है या 5 बजे का, अभी कभी कभी तो 7 बजे तक आपको दिखेगा बहुत फॉग है, बहुत हिंदी में क्या कहते हैं फॉग को, नहीं धुंध, हाँ अच्छा अच्छा उसको धुंध कहते हैं और कुछ एक नाम है, मुझे अभी धुंध ही आ रहा है। तो इतना आप पास में बैठे हो ना तो वो भी मुझे नज़र नहीं आएगा, इतना ज़्यादा होता है। तो मनुष्य का जो पाप कर्म होता है ना ऐसे ही होता है, उसकी आत्मा के ऊपर एक पूरी धुंध छाई होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है कि आईने का, आईने के ऊपर जैसे बरसों से आप यूज ना करो तो धूल जम जाती है, तो इसमें हम उठाकर अपना चेहरा देखना चाहें तो हम नहीं देख पाते। किस तरह से यहाँ पर इसी धुंध का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये जो धुंध है, ये जो धुआँ है, ये जो धूल है, जो भी कह लें, वो सालों की नहीं है, है ना, महीनों की नहीं, दिन की नहीं, ये क्या है, जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर से जो हम भगवान से दूर हुए तो भगवान के दिए हुए ज्ञान के ऊपर एक धूल जम गई है, एक धुंध छा गई है, जिसकी वजह से भगवान कौन है, हम कौन हैं और हमारा भगवान से रिश्ता क्या है,
यह हम देख नहीं पाते, है ना। तो यानी कि पाप से बगैर मुक्त हुए, है ना, पाप से बगैर मुक्त हुए हम भगवान के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में और अपने अस्तित्व के बारे में हम नहीं जान सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें भगवान के चरण ग्रहण करनी होगी, है ना। भगवान के अस्तित्व के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवान के चरण ग्रहण करनी होगी। तो उसके लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि भगवान ने कहा कि संशय रहे, अब ये संशय निकालने के लिए, मतलब संशय रूपी जो धूल धुआं धुंध जो भी है उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। वो भी कैसे होगा, 100% होते हैं ना अपने दिमाग के जो नौ द्वार है ना, नौ द्वारे पूरे देही है ना, वो सब कुछ ओपन करना होगा, पूरा वेंटिलेशन होगा। जैसे घर में हम बंद, एक महीने के बाद हम सपोज इंडिया से आते हैं तो घर के सब पूरा बंद पैक लगता है, अरे सब खोल दो वेंटिलेशन होगा, है ना। एक महीने में ये हाल होता था हमारा, तो न जाने कितने जन्मों से ये बंद पड़ा है सब कुछ, है ना। सारे दरवाजे हमने भगवान के ज्ञान को पाने वाले सारे दरवाजे हमने अलग अलग योनियों में रहते हुए बंद करके रखते हैं। अब जब जैसे इंसान वापस आ गया है अपने घर में, तो उसको सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलेगा कि बस उसी बंद घर में जाके दूर में बैठेगा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। घर में जाने पर हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इस मनुष्य शरीर आने में आने पर हम ऐसा ही करते हैं। जब जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करता है तो वो ऐसे करता है, सारे दरवाजों को बंद ही रख। अब सारे दरवाजे बंद हैं, आप जरा इमेजिन करिए कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और आप महीनों बाद आप भारत से घर अपने वापस आए और उसमें बैठ जाओ, हाउ डू यू फील, सफोकेट हो गए ना, डिस्टर्ब हो गए ना, परेशान हो गए ना। तो आत्मा की अवस्था ठीक 100% वैसी ही है, मगर हम रियलाइज नहीं कर पाए। तो ये हमें रियलाइज करना होगा कि जो हम अपने आप को महसूस कर पाते, देखिए वो आत्मा की अवस्था वैसी है। तो ये हमें कौन बता रहा है कि आत्मा की अवस्था ऐसी है या हमें इस तरह करेंगे कैसा, भगवान स्वयं बता रहे भगवत गीता के। तो जब तक हम भगवत गीता का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा, है ना। पढ़ने से भी कभी कभी समझ में नहीं आता है सारी चीज़ें, जब तक हम सुनते नहीं है ना तब तक सीखते भी नहीं, समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो भगवत ज्ञान है, भगवान की वाणी है, जो भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, इसे क्या सिर्फ सुनना नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हमें सिर्फ टुकड़ों के जैसा नहीं सुनना है, है ना, सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसे क्या करना है, धारण भी करना है, अमल में भी लाना है, सुनना है और सीखना है, सीखने के बाद बैठ नहीं जाना, थर्ड है उसको प्रयोग में भी लाना है ना। तो मनुष्य भगवान यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, कृष्ण कौन है यह जानना है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी आर वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, है ना, ये सब चलते रहता है। आई एम वेरी टॉल या आई एम वेरी फैट और आई एम वेरी माय बॉडी शेप इज वेरी नाइस, हम लोग ये सब मतलब एक भौतिकतावाद में जुड़े हुए हैं, है ना। मिरर में हम सामने बैठे रहते हैं, अरे बहुत सुंदर है, भगवान ने क्या बनाया है, क्या आगे बनाए, क्या ओट बनाए, ठीक है। तो हम अलग अलग चीज़ों में बोलते हैं ना, भौतिक स्तर पर अपने आप को फिक्स करके बैठे हुए हैं, हमें इस भौतिकतावाद से ऊपर आना है और क्या करना है, अपने रियल स्वरूप, रियल जो हमारी ब्यूटी है ना, अभी तक तो हम आर्टिफिशियल ब्यूटी में रहते हैं और ये ब्यूटी न जाने कितनी बार चेंज होते आई है ना, कितनी बार है ना, वो देखा है ना, उसमें पहुंच जाती है, तो डॉग में पहुंच जाती है, वो मिली पीज होती है उसमें पहुंच जाती है, कितने सारी हम तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें बन के आए हैं, फिर हम मिरर में क्यों देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सारी ब्यूटीज हमारे सामने हैं, हमें तो क्या देखना है, असली सुंदरता देखनी है ना।
जीव की असली सुंदरता क्या है? भगवान के प्रति उसका 100% समर्पण, भगवान के प्रति उसका लगाव और भगवान के प्रति उसकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ये जो रिलेशनशिप है ना, जब ये मेंटेन हो जाएगा वो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ब्यूटीफुल हो जाएगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा। तो भगवान, हम अपने बच्चों को सजाते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, है ना, अच्छे से ड्रेसेस सूट सब कुछ लेके देते हैं, हमारा बच्चा बहुत सुंदर लगना चाहिए, सबसे जो लोग ड्रेस लाते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि ऐसा सोसाइटी में किसी बच्चे के पास नहीं आया ऐसा ड्रेस हमारे बच्चे के पास नहीं, लगते अच्छा पहनने के बाद डॉल जैसा लगना चाहिए, हैंडसम इंफ्लुएंस जैसा लगना चाहिए। तो भगवान भी ऐसा चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है सबसे यूनिक लगे, सबसे अलग लगे। लेकिन हमें अच्छा नहीं है, नहीं चाहिए हमको, हमको नहीं चाहिए, हमको तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, उधर जाने बहुत सारी चीज़ें हैं क्या। तो दूसरी चीज़ों में हमें जो है ना माया देवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है ना माया देवी। कितने सारे रूप है ना, तो वो जरा देख लेना, कृष्ण तो है ही अपने जैसे है ना, कि वो आंटी है, वो माता जी बहुत अच्छे से बड़े प्यार से बात करती है, वो बहुत अच्छे उसके पास जाएंगे, मम्मी तो आई है अपनी, ठीक है रोज वो डांट रही है, थोड़ी देर के लिए उससे दूर होके थोड़ा उधर भी जाकर आती है, कितना अच्छे से प्यार से बात करती है, अर्पणा बहुत अच्छे से केक खिलाएगी मुझे, माता जी हॉट चाउमिन खिलाएगी, भारती माता जी गेम खिलाए, सब अच्छे से, माँ तो अपनी है ना, ठीक है थोड़ी देर के लिए भी। तो हम भी ऐसे नटखट बच्चे नॉटी, माता जी बोले नालायक, दूर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, मेंटेन हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, पास में नहीं जाना चाहिए, तो फिर अपने यहाँ चले जाएंगे, या फिर ठीक है ना माँ बहुत परेशान हो गए, वही एक 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 चीज, कुछ वैरायटी चाहिए। तो माया देवी, तो फिर क्या होगा, संडे हो या मंडे खाओ माया देवी के डंडे। है ना, नहीं आपके लिए तो सैटरडे हो या संडे खाओ माया देवी के डंडे। ठीक है, तो हमारी बुद्धिमानी बोलते हैं मेरे ऐसे मेरा मूर्ख जैसी है, हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं बुद्धिमान वही जिसे मैं बुद्धिमान मानता हूँ, मतलब कि भौतिक जगत में जो भी इंसान बुद्धिमान है या जिसे लोग बुद्धिमान मानते हैं, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में वो मेरा मूर्ख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जिसको ये ज्ञान हो गया है कि भगवान ही हमारे अधिकारी हैं, भगवान ही परम पुरुष हैं, भगवान ही हमारे परम पिता है, वो अगर भौतिक जगत में मेरा मूर्ख है, सिर्फ कुछ नहीं पता है कि नॉर्मल जो भौतिकतावाद में कैसे हमें रहना चाहिए, नॉर्मल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी चाहिए, किससे कैसे कितनी चुपड़ी बातें करनी चाहिए, किसको कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, है ना, ये सब नहीं आता है, तो भगवान कहते वो सबसे इंटेलिजेंट, नंबर वन इंटेलिजेंट इंसान है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमें भौतिकतावाद में नंबर वन इंटेलिजेंट इंसान बनना है कि आध्यात्मिक जगत में नंबर वन इंटेलिजेंट, ये आंसर हमें खुद को बनाना है, या है हमारे पास, हम देना नहीं चाहते हैं, है ना। तो अब अपने आंसर से हमें आगे प्रोग्रेस करनी है, हमें खुद देखना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। ओ मैंने स्टेटस पे डाला, बहुत अच्छा लगा था मुझे, माया देवी का रास्ता और भगवान का, ओ मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, घुमाते घुमाते माया जाना, हम घूमते रहो बस, और मेरे पास आते रहो, लेकिन भगवान और हमारे बीच एक दीवार, वो दीवार क्या है पता है, वो समझा आप लोगों ने, वो सम माता जी आपने मेरा स्टेटस नहीं देखा होगा, लेकिन वो शायद है बहुत अच्छा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, और फोटो बहुत अच्छी है, मैं दिखाया कि लोग हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, और आगे माया देवी है, जैसे भूत अवस्था में दिखाएं, और ऐसे ऐसे पूरा वो पजल्स बना के उन तक गया है, दूसरी तरफ एक डिवोटी है, उसके सामने बड़ी सी दीवार है और आगे कृष्ण है, वो दिखा रहा है इधर आ जाओ, लेकिन सब उधर जा रहे हैं पजल्स में घूमने के लिए, मतलब कि बताना चाहते कि जो अज्ञानता की दीवार है भगवान और हमारे बीच, जो अज्ञानता की दीवार है उसको बस हमको ब्रेक करना है, हमको घूमने की जरूरत नहीं, तोड़ा और भगवान सामने खड़े, कितना ईजी है, कितना सरल है इस चीज़ को जानना, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो हमें भी वही करना है कि हमें क्या करना है कि देखिए तर्क वितर्क किए, पाप कर्म से मुक्त होना तो क्या करना पड़ेगा, कोई तर्क नहीं, कोई बुद्धि नहीं लगाना है, जैसे हम कभी कभी लेक्चर सुनते तो बहुत सारे
क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन वो क्लियर करने के बाद वापस से अपना तर्क लगाना बुद्धिमानी की बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बुद्धि को लगता है यार इतने ऑडियंस में हमने पूछ लिया, सब बोलेंगे कितना इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन का आंसर मिला बस उसके ऊपर वापस से क्वेश्चन दे दी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट शिवाजी कहते हैं कि वो महामूर्ख है, नंबर वन फूल, नंबर वन फूल है, क्योंकि जहाँ पर आपने अपनी बुद्धि लगाया भगवान बोलते बस अब अपनी बुद्धि लगाओ माया देवी ले लो, अब अपने बच्चे को संभालो, अब मैं चलाया। तो हम माया देवी हमें सब बोलती चलो बच्चे सिंगारिंगारो रे फिर हमको गोल 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 घुमाना चालू कर देती, फिर वहीं गिराती है, फिर उठाती है, फिर रिंगारिंगारो रे कराती है ना। तो इसीलिए हमें इस भौतिक जगत से जो चक्र है, इस चक्रव्यूह है ना, इस चक्रव्यूह से बाहर आना है। चक्रव्यूह से निकालने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। तो हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी कि हमें इस चक्रव्यूह से आप प्लीज बाहर निकालिए और हमारे जीवन का उद्देश्य हमें समझाइए, है ना। जीवन का उद्देश्य सबको पता है कि नहीं? पता है क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? क्या है? भगवत धाम जाना है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐड करना है किसी को? भगवत धाम ऐसे पहुंचे, अरे एरोप्लेन भेज दो भगवान, अभी हमको जाने का मन हो गया। भगवान का दास बनना है ना, दास बनेंगे, दास बनना ही हमारा उद्देश्य है, बॉस बनना नहीं, दास बनना। और हम लोग क्या करते हैं पूरा टाइम? बॉस जी है ना। तो बॉस क्या करता है? जो ऑफिस में बॉस है वो एम्प्लॉय से अपना थोड़ा रुबाब झड़ते हैं, है ना। घर में है तो पति है, पत्नी पे करेगा, पत्नी है वो नौकरानी और बच्चों पे करेगा। तब से हमारा रूल चलता है ना, सोचते हैं ना ठीक है आप हमसे बड़े तो हमसे भी नीचे कोई। तो हमारा जो है ना, तो बॉस इन जो नेचर है इसको हम बॉस नहीं, हम दास हैं, है ना। ये हम कैसे जान पाएंगे? जब हम भगवान की शरण लेंगे, है ना, भक्तों के थ्रू जाएंगे, भक्तों के थ्रू जब हम भक्ति में जाएंगे, थे हमने भगवत गीता की शरण ली, तो भगवत गीता में सब कुछ पढ़ने करने सब कुछ तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें क्या होगा अपने सीनियर डिवोटीज से हमें संग, मतलब डिवोटीज का संग करना पड़ेगा। डिवोटीज के संग करने से क्या होगा हमें उसमें भगवान, यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए कहते हैं कि जब हमें क्या होगा कि भगवान की, भगवान के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो धर्म ग्रंथों का संग करना होगा, मतलब उसका पाठ करना होगा, प्लस डिवोटीज का भी संग करना होगा, है ना। जो भगवान में 100% डिवोटेड है, जो भगवान को जान चुके हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही परम पिता है, है? जैसे ब्रह्मा जी ने धर्म संहिता में कहा, वो भी जान गए, पहले तो उनका मन घूम रहा था सब जगह, है ना, उन्होंने देख लिया कि अरे भगवान ही कैसे हो सकते हैं कि बालक, ठीक है हमने सुना था कि भगवान बालक, भगवान अवतरित होने वाले हैं धरती पर, बालक स्वरूप में आ गए, वो भी हमने मान लिया, लेकिन ये भगवान कैसे हो सकते हैं? वो बच्चे के मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही उनके मुंह का निकाल के खुद खा रहे हैं, कैसे भगवान? भगवान लीला कर रहे थे ना, जब वो गए थे गैया चराने, तो क्या करते थे, गैया चराने जाते थे तो वो अपने सखाओं के साथ बैठ कर सारा शेयर करते थे ना, सारा जो उनके सखा लाते थे, जो स्वयं उनकी यशोदा मैया दी रही थी, तो कैसे करते थे? कोई खा रहा है अगर अपना उनको पसंद आ गया, ए तुम क्यों खा ले, इसके मुंह से छीन करके खा लेते थे। ब्रह्मा जी ऊपर से कैसे परम पिता हो सकते, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, संशय। इस श्लोक में क्या वर्ड किया भगवान ने? संशय रहित। जहाँ संशय है, अरे संशय आने पे तो ब्रह्मा जी तक तो भगवान ने नहीं छोड़ा है ना। तो हम कहाँ की मूली क्या चीटी कुछ भी नहीं है, है ना। तो भगवान कहते हैं एक ही मेरा कंडीशन, संशय रहित हो, मतलब कोई डाउट नहीं लाओ मन, मैं भगवान हूँ। बात समझ में नहीं आती आती कोई बात नहीं, बट मान लो। तो सबसे इंटेलिजेंट और सब कुछ जानने वाले बन जाओगे, तुमसे बड़ा और कोई नहीं होगा भगवान के। तो देखा था, देखा है ना आप सबने ब्रह्मा जी का
और कैसे गति हुई थी, सुना भी है कार्टून्स बनाए जाते हैं, सीरियल बनाए जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि ब्रह्मा जी की कैसे गति की थी भगवान ने, है ना। तो संशय नहीं लाना, जहाँ संशय दूर हो जाएगा वहीं पर हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा जो बैरियर है रास्ते का, भगवान और हमसे मिलने का जो बैरियर है वहीं वो समाप्त हो जाएगा। तो पापा जी कहते हैं कि हमें क्या करना है कि भगवान ने क्या उपदेश दिया है हमारे जीवन के लिए, है ना, ये हमें क्या करना है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जैसा कि हमने पहले कहा कि सिर्फ सुनना ही नहीं है, शिक्षा ले ली अपने तक बैठ गए, न खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं न दूसरों को बता रहे, वो भी नहीं करना, सुनना है श्रवण करना है, फिर सीखना है, फिर सिखाना भी है, उसे बैठ नहीं जाना। ठीक है, तो इसलिए जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान क्या है, भगवान के बारे में जानना, भगवान कौन है, है ना, जीव कौन है और उनसे उनका रिश्ता क्या है, उसे कहते हैं, इसे कहते हैं श्रुति। उस वर्ड को कहा, उसको समझाया गया, भगवान ने कहते हैं कि वो उसे कहते हैं श्रुति। और भगवान आगे तात्पर्य से, सॉरी प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य से लिखते हैं कि भजति, ऐसा भजति शब्द जो है वो पहले भी श्लोकों में आया है, उसमें कहते हैं कि भजति मतलब भगवान की सेवा, भजति मीन्स भजन ने, भजति मीन्स भजन ने, कहते भगवान की सेवा करना कहते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो कोई संशय रहित होकर अगर मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है या मेरी सेवा करता है, इसे क्या होता है, सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसे कुछ पढ़ने लिखने और समझने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना सर नीचे वो पैर ऊपर वाला प्रभु जी बताते हैं, ऐसा कोई आसन करने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात यह आती है कि हमारे मन से हमसे कब जाएगा, जब हम हम्बल होंगे, जहाँ प्राउड आया। देखो ब्रह्मा जी को संशय क्यों आया, उन्होंने उनको लगा, उन्होंने अपनी बुद्धि यूज की और उन्हें थोड़ा प्राउड हो गया कि अरे मेरा इंटेलिजेंस ज़्यादा है, यानी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैंने सृष्टि क्रिएट की है तो मैं समझ सकता हूँ भगवान को, तो इसलिए तो समझ नहीं रहे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में आ सकता था ना, लेकिन उनको अपने इंटेलिजेंस से प्राउड हो गया, है ना, अपने क्रिएशन से प्राउड हो गया, उनके मन में भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, बस आगे। तो हमारे मन से संशय दूर करने के लिए सबसे पहला कार्य कि हमें विनीत होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, हर वस्तु में हर चीज में, चाहे वो जीवा से हो चाहे हमारे कार्य मन से वचन से कर्म से, सबसे हमें क्या होगा, होना होगा हम्बल, विनीत होना होगा, है ना। विनीत होकर हमें क्या समझना होगा कि हम भक्ति के अधीन है माया देवी के कि भगवान के, किसके अधीन है, अरे सो गए जैसा मुझे ध्यान होता हिमालय में नहीं जाइए प्लीज हमें विनीत भाव होकर क्या समझना होगा कि हम माया देवी के अधीन है, हा? हमारे अधिपति कौन है, हमारे बॉस कौन है, कृष्ण है, हमें माया देवी की अधीनता नहीं स्वीकार करनी। भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं ना कि हम किसके अधीन हैं, कृष्ण के अधीन, हमें विनीत भाव के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो बोले हाँ माया देवी है सो ब्यूटीफुल, कितने रंग हैं आपके, कितने रंग दिखाती हो, इतने अच्छे सुंदर आपने प्रकृति बनाए, इतने सारे प्रकृति में जीव बनाए, वो जीवों ने इतना अच्छा पब बनाया है कितना कुछ बनाया है, होटल बनाया है, क्या क्या बनाया है, चलो सब देख कर आते हैं, है माया देवी और वेरी ग्रेट, है माया देवी के गुणगान, नहीं माया देवी के गुणगान करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है, भगवान कहते हैं कि विनीत भाव से जो यह जान लेगा कि वो मेरे अधीन है, ठीक है, संशय रहित होने का अर्थ आपने समझा, संशय रहित कैसे होंगे, जब ये ज्ञान हो जाएगा हमें, ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर की स्वामित्व की भावना बाहर आ जाएगी, तो नेचुरली हम बल हमारे पर प्राउड हो सब तब आता है जब हम सोचते हैं कि हम वी आर द ओनर, तब स्वामित्व की भावना आती है, जब हमें पता चलेगा
तो काय के ओनर, हमारा ओनर तो कोई और है, हमारा ओनर कोई और है तो हम काय किस चीज के ओनर है ना। प्रकृति में जितना सब कुछ है उसका ओनर तो कोई और है, हम तो सब यूज कर रहे हैं, है ना, भिखारी है, ले रहे, फिर भी लेने का मन खत्म नहीं हो रहा है ना। और चाहिए, अनियो और दे दो और दे दो, है ना। गिरिराज गोवर्धन जी को जब भोग लगाया जा रहा था, ब्रजवासी भोग लगा रहे थे, क्या बोलते थे, खाते जा रहे थे, अन्य। अब सब ऐसे बैठ गए ब्रजवासी, अभी क्या, सारा भ्रष्ट समाप्त हो गया, अभी अन्य हो रहा, अभी क्या करेंगे। तो हमारी वो तो तृप्त हो गए, लेकिन हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है ना, वो अन्योर, वो वर्ड खत्म ही नहीं, और चाहिए, खत्म किया, चलो कोई बात नहीं, और कहाँ से मिलेगा, सब ले आओ, सब हमारा है, ठीक है। तो हमें यह भावना धीरे धीरे हम निकाल देंगे, कैसे, जब हम ये जान लेंगे कि हमारे स्वामी प्लस हर प्रकृति में जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु हैं, सबके स्वामी कृष्ण है, तब हमारे अंदर से स्वामित्व की भावना जाएगी। जैसे ही स्वामित्व की भावना जाएगी, हम हम्बल हो जाएंगे, और जैसे ही हम्बल होंगे, संशय, डाउट, जो भी प्रकार की गंदगी है, सब साफ हो जाएगा। तो हमें भक्ति इजी, सुलभ एकदम आराम से मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी है कि जैसे कहा था ना कि हम वस्तुओं को अपना मान बैठते हैं, जो हमारी है ही नहीं। जब हम ये मान लेते हैं कि वस्तुएं हमारी हैं, तो उससे क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे अटैचमेंट हो जाता है, जैसे बच्चा है, नाम किया का एग्जाम्पल देते, फिर सामने प्रैक्टिकल देगा। पहले वो निशा का बेटा क्या हो जाता था ना, पास वो खिलौना तो लेके खेल रहा था, कि बोले प्लीज गिव मी, बोले नो इट्स माइन, प्लीज जस्ट शो मी, लिया उसने, देखा था थोड़ी देर, तो बोलते पार बोलता दे दो मुझे, नहीं मुझे थोड़ा खेलने दो बोलती। थोड़ी देर खेलने के बाद पार बोलता है, यू आर नॉट गिविंग मी, गिव मी बैक, इट्स माइन। तो हम भी ऐसी हैं, भगवान ने हमारी खुशी के लिए हमारी सुविधाएं बढ़ा दी, हमें चीज़ें दे दी, सहूलियत सारी चीज़ें दे दी, चलो बच्चा हमारा खुश है, सब ले लो। थोड़ी देर तक हम खेलते रहे, भगवान सोचते हैं अब ये छोड़ेगा, मेरे पास आ जाएगा अब, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान ले लेते, इस माइन करके हम रोते, दुख करते हैं। जैसे ही दुख करने लगते हैं, मेरा है उसके ऊपर दुख किया, नहीं मिला तो क्या हुआ, क्रोध आया, नहीं मिला ना तो क्रोध आएगा, बच्चा रोएगा ना, चिल्लाता है, ऐसे हमें क्रोध आता है। जैसे क्रोध आएगा तो हम क्या करेंगे, अग्रसिव होंगे, स्वामित्व की भावना जगाना करने लगेंगे ना, मेरा है, मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो जैसे ही वो भाव आएगा, वो हमसे पाप कर्म कराएगा, क्योंकि हमारी चीज़ नहीं, हम लेने की जबरदस्ती करेंगे, छीनेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग पापी हो जाएंगे ना। जो चीज़ हमारी नहीं है, हाँ, वो हम ले तो हम पापी हुए ना, किसी और की है, किसी और की चीज़ लेना तो पाप हुआ ना, छीनना तो पाप हुआ ना, तो पाप यहाँ से शुरू होगा। तो पाप का भागी हमें कौन बनाता है, हमारी इच्छा, या फिर उस वो इच्छा कहाँ से प्राप्त जगी, इस चीज को अपना मानने की वजह से। इसीलिए सबसे पहले एक इच्छा का त्याग करना है, वो क्या है, मी एंड माइंड का जो शब्द है ना, वो खत्म करना, मेरा, आई सब कुछ, ये वर्ड को अपने डिक्शनरी से पहली बार बाहर करना है, तो जाके हमारा कुछ हो सकता है, वरना फिर रिंगा रोजे की होता रहेगा, गोल गोल घूमो, गिरो, उठो, फिर गोल गोल घूमो, है ना, बाहर नहीं आना। सरासिल ऑफ यूनियो का जो सर्कल है ना, घूमते रहो, जरा व्याधि, यस, चलता रहेगा, इससे बाहर नहीं आ पाओगे। ये चक्र ऐसा चक्र है, चक्र भी वक्री सब फेल है, माया देवी का चक्र है ना, ये भौतिक जगत किससे अधिष्ठा से चल रहा है, भौतिक जगत दुर्गा देवी कौन है, उनके पास ही रहते, उनसे दुश्मनी कर सकती है, उनके अंदर में रह के उनसे दूर नहीं जा सकते, उनके ही कंट्रोल में रहेंगे, अनलेस एंड अंटिल हम भगवान की शरण में होंगे।
भगवान शक्तिमान है और माया देवी उनकी शक्ति है। शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं है, एक ही। हमेशा शक्तिमान जो होता है वो पावरफुल होता है। शक्तिमान हमेशा पावरफुल होता है, ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा कि कृष्ण कौन है और हम कौन हैं और हमारा रिलेशन, जो हम बार बार इस चीज़ को दोहराने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा टॉपिक वही है, क्योंकि ये संशय निकालना है तो बार बार यही बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, कृष्ण बोलते हैं ना, सूर्य कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। मतलब कृष्ण जो है वो सूर्य की तरह है। जैसे देखिए अभी सूर्य आ गया, थोड़ी देर पहले एकदम सुबह देखेंगे तो थोड़ा अंधेरा रहेगा, ऐसा लगेगा कि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे सूर्य बादलों से छटा, बादल छट गए और सूर्य बाहर आया तो पूरा उजाला हो गया। नहीं तो पहले क्या था? अंधकार। तो कृष्ण ऐसे ही है, ये जो माया है ना ये अंधकार जैसा है। लेकिन जहाँ सूर्य आ गया, सूर्य आया तो अंधकार रहेगा नहीं रहेगा, पूरा हट जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी अंधकार मतलब जो दुख तकलीफ व्याधि कष्ट है, वो कृष्ण जैसे हमारे जीवन में एंटर करेंगे जो सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ, हमारी इच्छाएं, हमारे दुख तकलीफ, हाँ सब कुछ पार हो जाएगा। मन में क्या होगा? सिर्फ कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो चलिए, में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है ना, बहुत लोगों के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। लेकिन मैंने एक बार सुना था एक प्रभु जी की क्लास में, तो पूछ रहा था कि जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं है ना, तो और एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो हमें और भी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या बहुत सारे व्रत होते हैं, मंडे ट्यूजडे, मतलब पूरा 7 दिन का व्रत होता है, बहुत अलग अलग देवी देवताओं का, तो हमें क्या करना जरूरी है? इसका आंसर है नहीं। ऐसे साधे सब सधे, सब साधे सब गाय, ये कहावत है। ऐसे साधे मतलब एक को सिद्ध कर लिया, एक को पूज लिया तो सब कुछ हो गया। एकदम कॉमन एग्जांपल हर क्लास में, हर प्रभु जी की क्लास में आप सुनने को मिलेगा। तो जैसे वृक्ष है, इसकी जड़ों को सींच दो तो उसके पेड़ सॉरी उसके तने, उसके जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सबको सींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम कृष्ण की भक्ति कर लेते हैं और एकादशी का व्रत कर लेते हैं, एकादशी के व्रत की महिमा जब आप पढ़ो, देखो हर एकादशी सारे व्रत का फल इसमें मिल जाता है। अलग से पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, है ना, कुल के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर वैष्णव परंपरा में यही बताया जाता है कि कोई बहुत सारी ऑस्टेरिटी करने की जरूरत नहीं है कृष्ण को पाने के लिए, बहुत सारी ऑस्टेरिटी करने की जरूरत नहीं। बस कृष्ण का नाम का जप कर लो, कृष्ण को 24 घंटे याद कर लो, वही आपकी तपस्या रियली बहुत बड़ी तपस्या है ना। एक मिनट भी कॉन्सेंट्रेट कर ले बड़ी बात है ना, 24 घंटे नाम लेना बहुत अच्छी बात है। इसे क्या, नाम लेते लेते क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। जब हम 24 घंटे नाम लेंगे तो कुछ वक्त तो भगवान ने हमारा जाएगा ही जाएगा, कुछ नहीं तो नाम के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। और इसका प्रैक्टिस, अभी कोई कहे कि माला करते मन नहीं लगता, क्या जैसे हम भगवद्गीता पढ़ रहे हैं तो मन कहीं और चला जाता है, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, डोंट वरी, क्या प्रॉब्लम है, नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, पढ़ते जाओ, एक दिन मन लगने लगेगा, है ना। शुरू शुरू में बच्चों का पढ़ने मन लगता है क्या? नहीं लगता है। वो थोड़ा ऐसे खिलौना ले लेंगे, थोड़ा बोले उधर देख लेंगे, वो देख लेंगे, और बोले ए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमें अपने मन को ऐसे करना, पढ़ो, नाम लो, नाम भगवान के चरणों में मन लगाओ, ऐसे उस मन रूपी बच्चे को कंट्रोल करना है और उसको दिखाना, बैठो नहीं तो डंडा पड़ेगा, बैठो नहीं तो माया देवी डंडा मारेंगे, बैठो है ना, उसको माया देवी का डंडा दिखाना पड़ेगा, अपने बच्चे को डंडा ले देना, ये पड़ेगी, बैठ जाओ चुपचाप से पढ़ाई करो। ऐसे हमें अपने मन रूपी बच्चे को बोलना है, माया देवी का डंडा जोर में पड़ेगा, इसे सब बैठो और भगवान के चरणों को याद करो। तो इस तरह से जबरदस्ती फोर्स करके, ऐसा नहीं सोचो नहीं, जब एकदम शांति होगी ना, जब घर में कोई नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, तब वो माला सकते, तब ये तर्क देने की जरूरत नहीं है,
नहीं, हमारा जब एकदम शांत होता है ना तब मेरा मन लगता है माला में, नहीं तो मुझे माला करना पसंद नहीं। वो बात करते करते माला करते ना मुझे मजा नहीं आती। दैट इज ऑल्सो रिमाइंडर। आपने सेंडिंग बैग ली, कोई सामने से आ गया आपसे बातें कर रहा है, आपने स्टॉप करके लेकिन सेंडिंग बैग उठा के नहीं रखा, क्यों? बिकॉज नेक्स्ट पल आपको सेंडिंग करनी है, वो हाथ में रखा हुआ माला आपको याद दिला रहा है। आपने रख दिया तो वो भी भूल गए, आपको ड्रामा कथा शुरू नॉन स्टॉप, द एंड होगा ही नहीं। मूवी में द एंड हो जाता है, सीरियल में द एंड हो जाता है ना, और लेक्चर में भी आधा घंटा हुआ क्या, आधा घंटा टाइम हो गया, हाँ अभी दो मिनट बाकी, वो भी द एंड हो जाता है। लेकिन जब ग्रामर कथा शुरू होती है ना नॉन स्टॉप द एंड, ओ कोई प्रोविजन लेक्चर नहीं बोलते, बोलते दो स्त्रियाँ मिल जाएं दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाएं, वो पहली स्त्री बोले चलो अंदर बैठ जाओ, नहीं नहीं बस एक मिनट, हम लोग उस दिन खड़े थे ना, मैं आधा घंटा वही निकल जाएगा, फिर वो स्त्री बोले अंदर बैठ, नहीं नहीं बस अब मुझे जाना है, ऐसे करके दिन तो निकाल देते हैं और दहन नहीं होता है। तो ये ग्राम कथा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लुभावनी ऐसी होती है इधर उधर उधर से। तो इसमें बताया जा रहा है कि 100% यहाँ असल में स्थिति में देखा जाए तो कृष्ण आज्ञा देना चाहते हैं, है ना, संशय रहित होकर भक्ति करने का इंटरनल इस श्लोक का मैसेज देखिए तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि संशय रहित होकर मेरी भक्ति करो। मतलब क्या है, यहाँ से हमें इस श्लोक से सीखने को मिल रहा है कि सीखना चाहिए कि भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं किस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है, अपने अनमोल जीवन का उपयोग किस तरह करना है, ठीक है। तो और एक और चीज़ भगवान समझाना चाहते हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका कभी लॉस नहीं होता है, है ना, का टोटा नहीं होता है, वो हमेशा उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हम 100% बोलते हैं ना, 100 न जाने जितने 1000 लाख 1% उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन आज्ञा पालन करना। हम लोग कभी कभी माताएं होती है, मैं बच्चों के एग्जाम्पल ज़्यादा देती हूँ, बच्चे कहते हैं हम लोग तो मेरी बात सुनिए, मैं चॉकलेट दूंगी तो ब्राइब देते हैं ना, ब्राइब, लेकिन भगवान ब्राइब नहीं दे रहे, भगवान यहाँ रियलिटी समझा कि जो 100% मेरी बात को सुनता है, भगवान ने प्रूफ दिया है। अर्जुन ने भगवान की बात सुनी ना, इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, हाँ पांडव एंड कृष्ण के साथ, लेकिन विजय किसकी हुई, पांडवों की, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बात 100% सुनी। कृष्ण ने क्या कहा, तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो अर्जुन ने क्या किया, कर्म किया, पहले उसको बहुत सारे फल की चिंता हो रही थी, है ना, बहुत सारी चिंता हो रही, लेकिन जब कृष्ण ने समझाया तो 100% फ्री होकर भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो मटीरियली स्पिरिचुअली सब कुछ 100% क्लियर, सब कुछ मिला, क्या कमी है। अभी अभी क्या होता है कि जैसे एक बार हमने लास्ट टाइम सबरी का भी एग्जांपल दिया था, सबरी के गुरु ने कहा था ना कि तुम इसी आश्रम में रुको भगवान तुम्हें मिलेंगे। अब वो हम जैसे होते बोलते अरे 1 साल हो गया 2 साल हो गया भगवान तो, अब क्या पता भगवान आएंगे भी कि नहीं आएंगे, गुरु महाराज ऐसे कह गए, या फिर गुरु महाराज बूढ़े हो गए ध्यान से, या ध्यान नहीं लगा होगा और बराबर देख नहीं पाए होंगे, ऐसे बोल देंगे चलो अभी चलती हूँ यहाँ से, इस घनघोर जंगल में कोई नहीं है, पहले तो गुरु थे और उनके बहुत सारे ढेर सारे शिष्य थे तो सबकी सेवा में मन लगा रहता, तब तो मैं अकेली हूँ क्या करूँगी, चलो अब चलती हूँ। उन्हीं की बात बता रही आप तो नहीं कही, हाँ तो उनके गुरु तो शरीर उनके शिष्यों के साथ चले जाते हैं, लेकिन सबरी जो है 100% विश्वास करके बैठी रहती है, क्यों, गुरु आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है कि मुझे भगवान यही मिलेंगे, इसी कुटिया में रहने के मिलेंगे, आज्ञा का पालन किया, भगवान मिले ना, भगवान मिले क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और भगवान को भी अपने शिष्य की इच्छा पूरी किसने वचन देती थी, इच्छा पूरी करने के लिए सबरी को आए दर्शन देने, कितनी बड़ी भक्त थी सबरी, झूठे हुए लेकिन वो झूठा है, झूठा करके खिला रही थे ऐसा स्वभाव नहीं रहा, देखिए
बोलते हैं ना भावग्राही जनार्दन, भगवान किसके भूखे हैं, भाव के। वो क्या भाव करते करी थी पता नहीं, बेर खट्टे तो नहीं है, चखती थी, जो खट्टे होते थे चखती थी, नीचे वाले देती थी। रामचंद्र जी बस उनके मुख के भाव को देख रहे थे और ले लेके खा रहे थे। तो कितने प्रेम से, कितने प्रेम से सब्जी माँ खिला रही, बस प्रेम इसलिए वो उनकी आंखों से, आंखों का आदान प्रदान प्रेम का हो रहा था, आई कॉन्टैक्ट, आंखों प्रेम से जो आंसू उनके निकल रहे थे, उन आंखों को रामचंद्र जी देखते हुए वो देर को नहीं देख रहे थे वो क्या देखे खाए, बस उनकी उनके चेहरे को, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन को देखते देखते वो खा रहे थे, वो उनके भाव को ले रहे थे। सेम वो एग्जाम्पल है विदुरानी का। विदुरानी ने क्या किया, जब आए कृष्ण उनके भवन में, है ना, पहले उनको दुर्योधन ने बुलाया था कि आओ मेरे महल में आओ हम भोग लाएं, लेकिन कृष्ण ने रास्ता ही बदल दिया, चले गए विदुरानी के पास। उसमें विदुर तो थे नहीं, विदुरानी अकेली थी। अब विदुरानी झटाझट में क्या करे, केला दिखा, अब वो कृष्ण को देखने में इतनी मगन हो गई, इतनी मग्न हो गई, उनको होश नहीं रहा कि वो क्या कर रही। केला छिलती थी, नीचे गिर रहा छिलका थमाते जाते, सारे केले नीचे छिलते भगवान, और भगवान खाते जा रहे। जब तक विदुर पहुँचे, अरे भाई ये क्या स्टोरी चल रही है, ये क्या सीन है भाई, मुख्य विदुरानी ये क्या कर रही हो। तब उनका भाग देख रहे थे केले तो सारे छिलके कहाँ गए, देख रहे आधा छिलका कृष्ण हाथ में ले, वो तो ऐसे कर लेते हैं, इससे क्या पाप हो गया है। उनके चरण पकड़ ले गए और कृष्ण कहते हैं, नहीं माता मैं तो आपके छिलके क्या है, मैं तो आपके भाव को दे रहा हूँ, आपके भाव को मैं ग्रहण कर रहा था। अब बोलते हैं कि आप क्यों डांट रहे हो, आपकी विदुरानी के तुम्हें भाव को ग्रहण करें, मुझे केलों से क्या हुआ, मुझे केलों की नहीं पड़ी, मुझे तो वो जो भाव चाहिए था ना, जो भाव मुझे दुर्योधन के पास नहीं है, तभी तो मैं उसका 56 भोग 108 भोग छोड़कर मैं यहाँ आपके भवन आया हूँ। तो भगवान प्रेम से भूखे हैं, और जो प्रेम से जो कोई कुछ उन्हें देता है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक बात आती है, जैसे भी देखिए कहा जाता है ना कि भगवान प्रेम के भूखे हैं और अपने भक्तों की बात वो हमेशा रखते हैं। तो एक और कृष्ण लीला में नल कुबेर और मणिग्रीव की जो कृष्ण पास टाइम्स में आता है वो कहानी, उसमें है कि कैसे वो कृष्ण और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। नल कुबेर, हाँ तो कृष्ण लीला का ही पार्ट है ना, नामोदा चाहे नाम आप दे दो। तो वो कैसे हुआ था, वो नारद मुनि जो इतनी महान भक्त थे, उन्होंने श्राप ही दिया था ना, लेकिन बाद में उनके कल्याण हेतु, है ना, कुबेर के दोनों पुत्र के कल्याण होते हेतु वो फिर आशीर्वाद भी देते हैं कि जब कृष्ण स्वयं अवतरित होकर इस धराधाम पर आएंगे वो तुम्हें इस योनि से, यानी वृक्ष योनि से तुम्हें मुक्त करेंगे। तो भगवान भागवतम में बताया भी जाता है कि भगवान जब उनका उद्धार करने के पहले बोलते भी हैं कि ये उद्धार करने लायक नहीं है, क्योंकि ये महाधर्म है, क्यों कुबेर के पुत्र, और ऐसे अगर नहीं कि मदिरा पान करके उन्हें संतों का भी भान नहीं, निर्वस्त्र होकर मुनि जा रहा है और ये स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं पानी में, तो इनके लिए तो ये एकदम प्रॉपर दंड है। लेकिन क्योंकि नारद मुनि जैसा महान है, ये चाहता है कि मैं इनका उद्धार करूँ तो मैं उद्धार करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नारद मुनि को कोई संशय नहीं था कि अगर मैं कह रहा हूँ उनको तब तो अरे मैं बोल रहा हूँ पता नहीं भगवान उद्धार करें, नहीं मैंने कहा है भगवान उद्धार करेंगे। एक भक्त को 100% भगवान पर विश्वास होता है और वही 100% भक्त का विश्वास भगवान को उसकी इच्छा पूरी करने पर क्या होता है, विवश करता है। प्रहलाद का देखिए, है ना, प्रहलाद ने कहा हाँ पिलर में भी है, तो क्या भगवान पहले से पिलर में नशे हुए धारण करके ऐसे नहीं बैठे, चलो अभी प्रहलाद बोलेगा फिर भगवान। प्रहलाद ने कहा इसलिए भगवान ने, और क्या था दूसरा, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को उसका तोड़ भी चाहिए था, है ना,
उनकी भी बात रखनी थी, ब्रह्मा जी की भी बात रखनी थी कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, ना इस नीचे मरेगा ना ऊपर मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना इंसान से मरेगा ना पशु से मरेगा, है ना, बहुत सारे वो सब कुछ पूरा करना था उनको। तो दो भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए नृसिंह रूप भगवान ने ठहरा था। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। तो दो दो भक्तों की इच्छाएं नृसिंह रूप में हो रही, प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी। तो इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करने से भगवत प्राप्ति होगी और भगवान के प्रेम के हम पात्र भी बनेंगे। एक लास्ट है, प्रभुपाद जी की जीवनी से है। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, प्रभुपाद जी के बारे में बताया जा रहा था। प्रभु जी कैसे बताते हैं कि प्रभुपाद जी उस समय लॉस एंजलिस में नहीं, अमेरिका में थे, अमेरिका के किसी और पार्ट में थे, लॉस एंजलिस की बात बता रहे थे कि वहाँ पर उनका सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तुलसी का कोई पौधा था नहीं। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को कह रखा था कि तुलसी का पौधा यहाँ लाओ और लगाओ, लेकिन मुश्किल ये थी कि इंडिया से तुलसी का पौधा लेके जाते, इतनी हाई सिक्योरिटी होती थी कि खाने पीने का सामान कोई पेड़ पौधे आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि उनको लगता है कि पेड़ पौधे से इन्फेक्शन वहाँ ट्रांसमिट हो गए, तो सब कुछ निकाल के फेंकना पड़ता था। तो कैसे कैसे क्या हुआ कि माता जी ने कैसे तो अरेंज कर लिया, चाहे भगवान की कृपा होगी, अदरवाइज इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे पौधा ले जा सकता है, है ना। तो भगवान की कृपा से कैसे भी माता जी तुलसी का एक पौधा ले गई और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा। और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो तुलसी का पौधा हो सकता था कि वो समाप्त भी हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से और तुलसी महारानी की कृपा से वो तुलसी महारानी अपनी उनकी भी अपनी कृपा दृष्टि थी, तभी तो वो खुद वहाँ पर सर्वाइव कर ली। तो तुलसी महारानी सर्वाइव की, फिर उनसे मंजिलें हुई, ऐसे करके उन्होंने 10 तुलसी के पौधे बना लिए वहाँ पर। तो ये बात जब प्रभुपाद जी तक पहुँची तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए कि माता जी ने इतना ग्रेट काम किया। तो उन्होंने माता जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा, अभी नाम नहीं आ रहा मुझे माता जी का, तो स्पेशल लेटर लिखा और उसमें उनके लिए लिखते हैं कि जिस तरह से आपने तुलसी माँ को भारत से यहाँ लॉस एंजलिस में लाया है, ठीक उसी तरह से कृष्ण भी आपको इस भौतिक संसार से आपको आध्यात्मिक संसार में ले जाएं स्वयं अपने हाथों से। तो जब जो अब आप सोचिए क्या वो सच में गई होंगी अध्यात्म भगवान के पास पहुँचेंगे। ऑफकोर्स भक्त ने कह दिया ना, प्रभुपाद जी भगवान के सिद्ध भक्त हैं और उन्होंने कहा है तो ये सच्चे ही है। इतने सारे अरे एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिए, ये एग्जाम्पल बताते हैं कि भक्त जो कहता है भगवान करते ही करते हैं, है ना। पिछले श्लोकों में बताया था ना मैंने कि निडर हो सकता हो मेरे भक्त का कभी विनाश, विनाश नहीं होना मतलब वो डायरेक्ट मेरे पास आए, कभी विनाश नहीं होना। तो भगवान हमेशा अपने भक्त की बात को रखते हैं और भक्त के मान सम्मान को बनाए रखते हैं। द्रौपदी को लीजिए, जब उन्होंने किसका सवाल किया था ना चक्र से जो 100 बार गालियाँ दिया था उसका क्या नाम था, शिशुपाल, शिशुपाल का वध किया था। तो जब चक्र निकाला था उनकी, वो तो भगवान की लीला थी, कभी चक्र उनको नुकसान नहीं पाया, तो थोड़ा सा कट हो गया था, तुरंत द्रौपदी ने अपने दुपट्टे को फाड़ करके सिर बांधा था। वो तो लीला थी क्योंकि भगवान को पता था आगे क्या होने वाला, उनको वो दान देना था। वो उतने छोटे से सिर का उन्होंने कितना बड़ा कपड़ों का गट्ठर ही दे दिया है ना उनकी लाश। तो भगवान इतने दयालु हैं, हम जरा से बोलते हैं ना तो पैर बढ़ाने की कोशिश, भगवान न जाने जैसे 1000 माइल से दौड़ते हुए हमारे पास आने की कोशिश करते हैं। ये तो हम है कि हम बस डायरेक्शन बदल लेते हैं, हमें वो डायरेक्शन नहीं बदलना, अपने बैरियर को उस वॉल को कोलैप्स करके, है ना, माया देवी वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर नहीं चलना, सीधा रास्ता पकड़ना है। जो सीधा रास्ता हमें भगवद्गीता और संतों के द्वारा दिखाया गया है उसे लेकर भगवान की भक्ति करनी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, मैंने इसको बंद कर। भगवान भारत में मन मन का राजा कौन